हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम टू रूम। आज बनाते हैं क्रिस्पी वेफर रोल। इसके लिए 2 बड़े चम्मच मैदा, 1.5 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी यूज़ किया है। आप बटर या रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट को ग्रेट करके इसमें ऐड कर दिया है। कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। और गुनगुना दूध लेंगे, उससे इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर काफ़ी है आपका, ना थिक होना चाहिए ना रनी। कंसिस्टेंसी आप वीडियो में देख रहे होंगे, इस तरीके की बनानी है आपको। फिर एक पैन को ग्रीस करेंगे घी से या तेल से, जिससे भी आप करेंगे। ग्रीस करने के बाद गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और बैटर को अच्छे से स्प्रेड करेंगे और पतला पैन केक तैयार कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 पैन केक रेडी किए हैं, इकट्ठे बन रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेता है बनने में, तो मैंने 2 पैन केक इकट्ठे बनाए हैं अलग अलग गैस पे। अब देखिए इसमें बबल्स आ गए हैं। अब इसको हम फ्लिप करेंगे। फ्लिप करते हुए थोड़ा केयरफुली हमको ये फ्लिप करना होगा क्योंकि पतले हैं पैन केक, उसमें थोड़े कच्चे भी हैं अभी, तो इतने फर्म नहीं होंगे, टूट सकते हैं ये। इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी सेकेंगे। 1 पैन केक हमको रेडी करने में 3 से 4 मिनट लगते हैं क्योंकि हमको लो फ्लेम पकाना है। फिर मैंने यहाँ पर स्टिक लिया है, चॉपस्टिक, उससे उसको रोल कर लिया है। एक टिप है यहाँ पे, जब भी आप इनको रोल बनाएंगे तो आपको जब हल्के से गर्म ही होंगे पैनकेक्स तभी इनके आपको रोल तैयार करने हैं, अदरवाइज़ ये ब्रेक हो जाएंगे और आपका क्रिस्पी होता है पैनकेक बहुत हल्का सा ठंडा होने के बाद, तो वो बन नहीं पाएंगे, शेप नहीं आ पाएगी ठीक से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जब भी आप ये क्रिस्पी वेफर रोल बनाएंगे तो। उसके बाद मैंने इनके अंदर चॉकलेट फिल किया है। चॉकलेट को मैंने बाहर निकाल कर रख लिया थोड़ी देर के लिए क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है यहाँ पर, तो इजीली चॉकलेट मेल्ट हो जाती है, और इनके अंदर फिल कर देंगे। आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं और चाहें तो इसके ऊपर सिरप या स्प्रिंकल भी ऐड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।